प्रतापनगर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थित शरणार्थी शिविर परिदर्शन करलें राज्यपाल आश्वास दिलें बन्याय दुर्गतदेर पाशे थाकार एक ही साथे सन्तोष प्रकाश करें शरणार्थी शिविरेर व्यवस्थापनाय भयानक बन्याय क्षतिग्रस्त राज्य सिंहभाग कृषि खेत भाषिए असंख्य जनपद बन्यार हाथ प्राण बाचाते बानभाषी मानुष आश्रय शरणार्थी शिविरे सरकारी भाव संश्लिष्ट शरणार्थी शिविरगुली परिचालित होड़ा बना दुर्गत मानुष्टर पशे दाड़ा समाज विभिन्न स्तर मानुष रविवार राजधानी संलग्न प्रतापगढ़ विधानसभार अंतर्गत प्रतापगढ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थित शरणार्थी शिविर परिदर्शन करलें राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डीनल्लू शरणार्थी शिविरे अवस्थानरत दुर्गत मानुषदेर साथे मत बिनिमय करें एवं आश्वास दिलें बन्याय पाशे थाकार we were not expecting that much rain in a short time 37 40 centimeters 370 400 millimeters of rain वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही थोड़ा रिलीफ दिया है इसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और तुरंत स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे हैं होम मिनिस्टर से पूछ के जो जो नेसेसिटी है अपना छोटा स्टेट है इसलिए इमीडिएट रिलीफ के लिए ऐसे सिचुएशंस में जो भी ट्यूब बोर्ड्स है बाकी के है वो कम था तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इसमें से लोग उनको भेजें एक ही साथे शरणार्थी शिविरेर व्यवस्थापनाय संतोष प्रकाश करें राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डीनल्लू ने रिलीफ कैंप देखा है कभी भी रिलीफ कैंप्स ऐसा होते हैं जितना एरिया होना चाहिए उतना एरिया मुश्किल से मिलता है अभी बहुत बड़ा थाउजेंड्स ऑफ पीपल है अपने लिए स्कूल एक ही है तो ऐसे इसीलिए जनरली 300 400 500 ऐसे रिलीफ कैंप्स नहीं रखते हैं मगर रहने के लिए व्यवस्था नहीं है तो छोटे छोटे इसमें भी रखते हैं वैसा ये जो रिलीफ कैंप है इतने लोगों के लिए जो बंदोबस्त करें वो ठीक है उसके लिए मैं टॉयलेट्स भी देखा हूँ पानी भी देखा हूँ और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो सब ले प्रसंगत उल्लेख सरकारी तथ्य अनुसारे এই ভয়ানক বন্যায় রাজ্যের 15000 কোটি টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে কেন্দ্রীয় আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবেলা ফান্ড থেকে 40 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য সহযোগিতার দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় বন্যা বিধ্বস্ত ত্রিপুরার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে জোর কদমে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ ভ্যানগার্ড।